नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थ्योरेटिकल सम्राट यूट्यूब चैनल। मैं सम्राट विश्वास आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। बट एक बात तो मैं हमेशा कहते रहता हूं, आप अगर जीतना चाहते तो आपको कोई नहीं हरा सकते, कोई भी नहीं। और आप स्वयं अगर नहीं जीतना चाहते तो आपको कौन जीता सकते, मतलब आप अगर विनर बनना चाहते तो आपको कोई नहीं रुकने वाला है, आप बन ही जाओगे। विनर बनना और लूजर बनना पूरा का पूरा आपका हाथ में है, आप क्या बनना चाहते। और बिजनेस फ्रेंड, बिजनेस तो बहुत छोटा सा बात है, कोई भी कर सकता, आप भी कर सकते फ्रेंड। जैसा कि मैं हमेशा आपके लिए नया नया बिजनेस आइडिया लेके आता हूँ, आज जो बिजनेस आइडिया के बारे में मैं बताने वाला हूँ वो भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते। अरे ऐसा आदमी करके देखा है जो कुछ भी नहीं कर सकता था, अभी वो ये बिजनेस करके बहुत ही अच्छा लेवल में चला गया। हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप सभी लोगों ने जानते हैं मैं बाहर में रहता हूँ, तो लगभग मैं 1.5 साल बाद में घर पे आया। तो 1.5 साल बाद का एक बात बताते हैं, जो मेरा साथ में पढ़ता था मेरा एक दोस्त था जिसको कुछ भी नहीं आता था। इंटरमीडिएट लगभग 4 बार फेल हो गया, होने के बाद ऐसे घूम रहे थे बेकार। कम से कम 4-5 साल घूमने के बाद में 1.5 साल बाद में पहले जब गया था इधर से, तब वो आदमी ऐसे बेकार घूम रहे थे, चाय का दुकान में टी स्टॉल में जाके बैठना, इधर घूमना फिरना कोई काम नहीं करता था, पूरा के पूरा गांव का आदमी उसको बेकार कहता था। इस बार मैं जो 2 दिन पहले जो घर पे आया, आने के बाद फ्रेंड उसके साथ मिला, देखा वो गाड़ी लेके घूम रहा है, 4 व्हील लेके घूम रहा है। तो मैं तो चक गया, जो बेकार आदमी था वो कैसे क्या इतना अच्छा खासा यह कर लिया। तो उसके साथ में मिला, मेरा सामने ही आ गया था, तो वो बोला फ्रेंड मेरे को अभी टाइम नहीं है, थोड़ा बाद में मिलता हूँ। अब ठीक है, तो शाम को फिर मेरा साथ मिला, फिर गपशप को किया। तो मैं उसको पूछा, दोस्तों ऐसे कैसे क्या कर दिया तू, जैसे थोड़ी देर साल पहले तेरे को देखे गया था तो ऐसे तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन अभी जो 4 व्हील लेके घूम रहा है इतना सक्सेस कैसे है। तो मेरे को बताया फ्रेंड हर काम में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। सोचो जो आदमी 4-4 बार फेल हो गया था इंटरमीडिएट में, बेकार आदमी कहता था पूरा गाँव का आदमी, अभी वो 4 व्हील लेके घूम रहा है और मेरे को बोल रहा है थोड़ा दिमाग, वो दिमाग का बात कर रहा है। मैं बोला ठीक है अच्छा बात है, तो कैसे किया बोल। तो बोला फ्रेंड मैं कुछ नहीं किया, वो जो आदमी माटन काटते ना, चिकन का बिजनेस है, चिकन मतलब मुर्गा पालना नहीं, वो मुर्गा काटता है, मतलब दुकानदार शॉप लगा के वो जो मुर्गा है, अब जिसको गावरानी नहीं फार्म बोलते, कोई कोई पोल्ट्री बोलते, हर जगह पे एक नाम रहे थे, वो मुर्गा काटने का बिजनेस करते। और अभी 1.5 साल का अंदर जमीन ले लिया, मकान बना लिया, 4 व्हील चला रहा है और भी कम से कम 4-5 आदमी उसके हाथ का नीचे काम कर रहा है, इतना सारे कर लिया सिर्फ 1.5 साल में, वो भी कोई ऐसा काम नहीं करके जो कोई बिजनेस करना है, जैसे वो बिजनेस मतलब कोई कोई बहुत बड़ा समझते जाए, ये शायद 1-2 लाख फिर करोड़ों रुपए का बात होगा तभी जाके बिजनेस होता, ऐसा नहीं है। वो जब स्टार्ट किया था उसके पास पूछा, उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ अगर चौक जाओगे फ्रेंड सिर्फ 500 रुपये से चालू किया था, सिर्फ 500 रुपये से वो एक वो जो मुर्गा काटने का जो शाम जाम है वो थोड़ा 2-1 मुर्गा लेकर चालू किया था, लेकिन अभी उसके पास कम से कम 200-300 मुर्गा तो ऐसे ही स्टॉक में रखना पड़ते। उसका सेल कितना है मालूम है? उसका सेल है कम से कम 150 से 200 किलो हर रोज सेल करते। तो आप सोच सकते फ्रेंड हर गोली में बाजार में तो कितना सारा मुर्गा का दुकान है जो चिकन बनाते चिकन बेचते, तो उसको इतने कैसे चलते फ्रेंड। ऐसे ही मेरे को जो बोला था आज थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है हर काम में, तो वही ट्रिक आपको बताते फ्रेंड। आप सिंपली बाहर में आपको मुर्गा कितने में मिलते हैं जो काट के बना के बेचते, कम से कम 140 से 160 रुपये किलो मिलते, और उसके पास कितने में मिलते हैं मालूम है? उसके पास सिर्फ 100 रुपये में, मतलब जहां पे 140 रुपया बाहर में मिल रहे वहां पे उसके पास मिल जाते सिर्फ 100 रुपये में, इसलिए उसके पास कम से कम हर रोज 150 से 200 किलो मटन सेल हो जाते। तो आपको अगर मैं हिसाब लगा देते फ्रेंड, वो जो मुर्गा है वो खरीदता है कितना रुपए किलो? 50 रुपए किलो खरीदता है फार्म में जाके, तो 50 रुपए मुर्गा में मान लो 200 से 250, ज्यादा ज्यादा जाए तो 250 उससे निकल जाते, जैसे उसका ये आ रहे थे जो खराब निकल जाते, तो रह गया कितना मान लो हर किलो में 800 ग्राम मुर्गा रह जाते। तो उसके पास 1 किलो मुर्गा 50 रुपए में खरीद जाए तो 100 मुर्गा का कीमत आ जाते 5 रुपया, तो 200 ग्राम निकल जाए मतलब उसका किलो गिर रहा है 60 रुपया।
7 रुपया उसका खरीदने का कीमत मिल रहा है, बिक रहा है कितना 100 रुपया, तो हर किलो में कितना रह रहा है 40 रुपया, 100 किलो में कितना रह रहा है 4000 रुपया, 150 किलो अगर मैं 200 किलो का बात नहीं करते, अगर 150 रुपया भी 150 किलो भी अगर बिक जाए दिन में तो कितना रह जाते हैं 6000 रुपया फ्रेंड, हर रोज 6000 रुपया, तो महीने में कितना हुआ 180000 रुपया हो जाते। कभी ये दिमाग लगाया जे सिर्फ 100 रुपया मटन बेच के भी हर महीने में लगभग 1,80,000 से 2,00,000 रुपया वो इनकम कर रहे हैं, तो साल में कितना हो जाते, साल में हो जाते फ्रेंड 24,00,000 रुपया। कौन सा बिजनेस कौन सा नौकरी करके अपना सकते। तो मेरे को पहले पहले तो हंसी आया था वो अगर दिमाग का बात कर रहे थे, लेकिन अभी समझा ऐसा दिमाग लगाने में आप पढ़ा लिखा वाला आदमी है तो जाकर दिमाग लगा सकते, ऐसा नहीं कोई भी कर सकते। जो बेकार आदमी फ्रेंड बिल्कुल कुछ नहीं आता था उसको, पूरा गांव का आदमी उसको बेकार कह रहे थे, अभी वो ऐसा करके दिखाया जो महीने में अगर 20 से 24 लाख रुपया अगर इनकम कर सकते तो मकान बनाना, जमीन खरीदना, 4 व्हील लेके घूमना क्या कोई बड़ा बात है? नहीं, कोई भी बड़ा बात नहीं। ऐसे अगर आप भी कमा लगे तो आप भी कर सकते, इतना छोटा सा आइडिया फ्रेंड, जो छोटा सा आइडिया उसका लाइफ में अप्लाई किया और वो इतना बन गया। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप ऐसे ही मुर्गे का दुकान खोल लो, आप भी कर सकते ऐसा कोई बात नहीं अगर आपको अच्छा लगे, और अगर नहीं करना चाहते तो दूसरा भी बिजनेस आइडिया है वो भी आप फॉलो कर सकते। लेकिन फ्रेंड बात तो यहाँ पे आते, वो जो हिसाब मेरे को बताया था वो हिसाब में फिर से एक बार रिप्लाई करते जे कस्टमर पकड़ने के लिए वो 140 रुपये का सिर्फ जब 100 रुपये में दे रहा है तो आप उसके पास कस्टमर ज्यादा से ज्यादा आने लग जाते। तो अब क्या किया वो दूसरा आदमी या 4-5 आदमी उसके अंडर काम करते हैं, उससे करा लेते और उसको अभी तो काम करने का भी जरूरत नहीं पड़ता, सिर्फ हिसाब में कश फैमिली का दूसरा आदमी आके कभी कभी बैठ जाते वो घूम लेते और महीने में 2,00,000 रुपया, साल में 24,00,000 रुपया उसको कमा लाए। तो ऐसे बहुत ज्यादा टेंशन लेने का बात भी नहीं है, बहुत ज्यादा हिसाब करने का भी बात नहीं, सिर्फ इतना ही मेरे को फायदा कितना हो रहा है बाजार में, कितना उसका डिफरेंस है और मेरे पास कस्टमर कैसे गेन किया जाए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आएगा सप्लाई ज्यादा होगा तो फ्रेंड ऐसे तो पैसा तो ऐसे आने वाला है। तो आप भी ऐसे ट्राई कर सकते, लेकिन ये अगर आप पसंद नहीं आए जैसे आपको स्टेटस में नहीं आते आप नहीं कर सकते, आपका प्रेस्टीज वाला बात हो जाते, तो दोस्तों भी बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस में देखे रखा हूँ वो आप फॉलो कर सकते, और आने वाला हर रोज में एक एक वीडियो मेरा आते रहे थे बिजनेस का ऊपर तो आप वो फॉलो कर सकते, बहुत ही आसानी से आपको इतना नॉलेज आ जाएगा बिजनेस के बारे में जो आप 100 के 200, 200 के 300 कोई भी बिजनेस आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। और फ्रेंड मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर आपका फ्रेंड एंड रिश्तेदार के साथ शेयर करना, हमेशा अगर हमारा साथ में रहना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा देना। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छा रहना, नमस्कार।